का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा अफसोस है इस गल का कि एक जो ट्वीट आया, सब तो पहला तो मैं यही गल कह दिया कि जेडे दरबार साहब के प्रबंध के असी सारे शामिल हाँ, हर सिख ही उस शामिल है, पर क्योंकि साड़ी सेवादार के तौर पर ड्यूटी लगी है, इस गल ही असी पहला भी इस गल स्पष्ट कर देना चाहते हाँ तो कर रहे हैं कि कोई भी दुनिया के किसी कोने किसी भी धर्म का किसी भी दिशा किसी भी जात संबंधित कोई भी श्रद्धालु के तौर पर गुरु रामदास पातशाह दरबार चाहता साढ़े लिए सत्कारयोग है, नतमस्तक है, वो चरणों में नमस्कार है। वो इतने आके की करता वो बादियां गल्लां ने। पिछले दिनों के कुछ शरारती लोगों ने इस तरह के इतने आयोजन किए, तुम जानते हो कि 84 के सिखां का कतलेआम होया, जगदीश टैक्टर नाँ का बंदा उस पूर्ण तौर पर दोषी है, उस समय दीआं सरकारां ने उन्हूं बचाया, उस दे बारे दे विच एक व्यक्ति आउंदा अपने बंदयां नूं बाहर रखदा ते ओह सरोवर च इशनान करदा ते उत्थे एक टी शर्ट पाउंदा, वो टी शर्ट के उत्ते जगदीश टैक्टर जिहड़ा सिखां दा कातल है उहदी तस्वीर हुंदी है, वह तो उत्थे इशनान करके फोटो करके जिहदे विच दरबार साहिब दी फोटो आउंदी आ तां उत्तों दी अपनी टी शर्ट पा लैंदा ते बाहर चला जांदा। तुसीं इह देखो कि वह एक सिख सीगा, उसकी मन की मनशा किस तरह की सी, उस गल बारे कदे शायद किसी ने नहीं सोचा। दूसरी गल कि इत्थे कई तरह दियां जिहड़ियां फोटोग्राफी करके, क्योंकि जिहड़ा धार्मिक स्थान है कोई भी किसी धर्म का उन्हां दी एक मर्यादा हुंदी है, सो इस मर्यादा दे विच आउंदा है कि असीं इत्थों दा इत्थे पहरावा ठीक रखिए, इत्थे कोई नशा करके ना आवे, नशा लैके ना आवे, इस करके जिहड़े साडे अधिकारी साहिबान है जिहड़े साडे पहरेदार ने उह इस गल लई सचेत करदे आ। सो पिछले दिनों वापरियां घटनावां दे तौर ते इत्थे इक जिम्मेवार जिहड़ा किना प्रबंधक नौजवान सी उसने इस गल बारे जरूर उन्हां दे नाल इस गल दा आरगू कीता, पर उस उन्हां वल्लों प्रवोक करन तो बाद उस अधिकारी वल्लों कुछ गल्लां बोलियां गईयां। मैं खुले दिल नाल इक जिम्मेवार होण दे नाते जे किसी भी यात्रू दे मन दे विच उस दे नाल दुर्व्यवहार की गल आई आ तां उस गल लई मैं जनरल सैकटरी होण दे नाते माफ़ी मंगदा इक गल। दूसरी गल ये ट्वीट करने वाले लोगों की मंशा की है, तो वह ट्वीट तो बाद वो जवाब किस तरह दिते जा रहे हैं, मैनू लगता कि मेरा जिहड़ा सिर है वह शर्म नाल झुकदा है, क्योंकि इस देश सानू यह दस्या जा रहा है कि पंजाब देश का हिस्सा नहीं, कि उन्होंने इस गल का पता नहीं कि इस हिंदुस्तान आजाद कराने लई इसे उस गुरु धाम जिन्हों एक खालिस्तान की काबज होने की गल करते हैं उन्होंने इस देश नूं आजाद करवाया, कि वह जानते हैं लोग कि इस तिरंगे अज ये दुनिया के सम्मान मिलता वह कारण कौन है, 100 दे विचों 90 सिर किने दिते, इस गल दा ट्वीट को करेगा हिम्मत है, इहदे च मनशा माड़ी है, इहदे च जानबुझ के सिखां नूं बदनाम किया जा रहा, सिखां दे धार्मिक प्रबंध नूं बदनाम करन दी कोशिश है। मैं चाहवांगा कि जिहड़े लोग अज ट्वीट करके इस ते सवाल कर रहे ने उह अपने अंदर झाती मारन कि इस देश नूं आजाद किहनां ने करवाया, इस देश दे आगू जिन्हों महात्मा गांधी मानते हैं जिहदे ते किना राजघाट ते जाके जिन्हों सिर चुकाउंदे ने इत्थों दे राजनीतिक लोग, ओह गांधी ने यह गल कहती सी कि इसे दरबार साहब की श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अंग्रेजों तो जिहड़े गुरद्वारे आजाद करवाए थे उन्होंने यह गल कही सी, यह गल सुन लैण ते पढ़ लैण, उन्होंने यह गल कही सी कि देश की आजादी की पहली लड़ाई जीती गई आ, इस गल नूं किसे ने सोचिया, यह गल सोची किसे ने, कदे कही किसे ने कि ये एक ऐसा स्थान है, मेरी ये गल कहण ते किसे नूं उतराज होवे ते कोई गल नहीं, पर मेरे मन च भावना गलत नहीं है, क्योंकि दरबार साहब दे अंदर ये जिहड़ा कंसैप्ट है इस कंसैप्ट की कोई कदर करके ट्वीट करेगा, इस देश दे अंदर बड़े बड़े कि ना मंदिर ने, रब दे मंदिर ने, भगवान दे मंदिर ने, उन्हां मंदिरां दे बाहर बोर्ड लगे दिखाई नहीं दे रहे जिथे कहिंदे आ कि किसी दूसरे धर्म का बंदा इत्थे आ नहीं सकदा, कि किसी धर्म के धार्मिक स्थानों पर जाने रोक आ, किसी औरत को रोक आ, किसी दलित को रोक आ, इतों का राष्ट्रपति शर्मनाक हो गया उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी, ये लोग ये गल समझणगे जो सानू खालिस्तान की गल करते हैं, जदों कि तुहाडे देश का जिहड़ा संविधान है, मैं खालिस्तान दे नाल समर्थक नहीं हाँ, पर थोड़े देश का संविधान कहिंदा इस संविधान दे विच वोटां चुण के आया सिमरजीत सिंह मान खालिस्तान की गल करता, माड़ी मोटी शर्म करो, सिखां दे बारे दे विच इस तरह की भद्दी भाषा ना वरतो, इस देश नूं सिखां ने इत्थे खड़ा किया, सिखां ने इहनूं आजाद रखिया, अज बार्डर ते चाइना दे बार्डर ते लोड़ पैंदी है ते कौन जांदा, वो सिख है वो खालिस्तानी है, इत्थे एक नौजवान जिहड़ा पंजाब दा जी उहदे हत्थों कैश छुट जांदा, शर्म करो, उस नौजवान जिहने दे जिहने इंडिया की टीम नूं कई बार जिताया उस नूं तुसीं खालिस्तानी दा गरदान दा कौन लोग हो, तुसीं इह देश दे गदार हो जिहड़े अज सिखां नूं खालिस्तानी दा नां दे के वखवादी गल करदे हो, शर्म होनी चाहीदी है सानूं इस गल ते कि एक अधिकारी वल्लों इस प्रकाशन दे तौर ते इह गल कीती गई है। मैं फिर यह कहिंदा
जिहड़ा भी कोई सरदालू इत्थे आउंदा इस दरबार साहब ते हमला करन वाली इंदिरा गांधी दा परिवार दा बच्चा जिहड़ा राहुल गांधी वह इत्थे जा दस के भी आया ते कहिंदे आ दसण तों बगैर भी आया, किसे नूं रोकिया नहीं असीं, इत्थे कोई बंदिश नहीं हैगी, इस गल दा सत्कार करो। गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे चार दरवाजे चार वरण जिहड़े खुले ने, उस गल दा कदे ट्वीट करन दी हिम्मत करो। इस देश नूं आजाद कराउण वाले सिख आ जिहड़े, उहनां दे इतिहास नूं याद करो कि इस देश नूं अज वी जे याद रख्या ते दसो जिहड़ा क्रिकेटर सीगा उहदे उहनूं खालिस्तानी कहण वाले कौण सी, ते तुसीं उसदा जवाब दित्ता कि उह खालिस्तानी आ कि उह वक्खवादी आ, अज वी देश लई खेड रिहा, कढ के बाहर मारो उहनूं। सो इस तरह का बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा, मैनूं बड़ी शर्म आ रही है कि उस ट्वीट के थले इहो जिहे लोकां दे कमेंट ने। मैं कहण तों गुरेज नहीं करदा कि इस देश के वड्डे उच्च रुतबियां ते बैठे लोकां नाल उहनां दा संबंध है। असीं पहलां भी यह गल कहिंदे आ कि जाण बुझ के सिखां नूं बदनाम करना, सिखां दे प्रबंध नूं दोषी ठहराउण दी गल कीती जा रही है कि जिहड़ा जिहड़े अज पंजाब दे अंदर किन्ने नौजवान आ जिहड़े इस तिरंगे च लिपट के आउंदे ने, तुहाडे देश दे वल्लों किन्ने सिख नुमाइंदगी करदे ने, क्यों जोड़ रहे हो तुसीं तिरंगे दे नाल इस मामले नूं? उस बच्चे दे मूँह दे उत्ते जे तिन रंग बन गए तो इहदा मतलब उह किन्ना तिरंगा नहीं हो गया। असीं फिर यह कहने हैं कि हर स्थान की एक मर्यादा होंदी आ, इन्हां गल्लां नूं इस तरह ना जोड़ा जाए, क्योंकि सिख जिहड़े आ सिखां ने इस देश लई बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां। अहसास करो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां ने इस देश की बहुगिणती लोगों के जनेऊ नूं बचाउण वास्ते कुरबानी की। बंदा सिंह बहादुर ने इत्थों दे मुगलिया सल्तनत का जिवें कह दिंदे आ उन्हां ने खुरा खोज मिटाया, इह देश आजाद होण दा रस्ता बनाया। साढ़े सिख योध्या ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, दिल्ली तो उन्हें मुगलों का राज खत्म किया, अज भुल गए हो? सिखा की इस कुरबानी ना भुलो, ये ट्वीट करने सिखा की उस कुरबानी नहीं घट कर सकते। देश लिए तुम खतरा बन रहे हो जिहड़े लोग इस तरह सिखा बदनाम करन दे लिया साजिशां कर रहे हैं। मैं क्लीयर कह देना चाहुंदा हिंदुस्तान की सरकार नूं, इन्हां साजिशां नूं नत्थ पाओ, इन्हां साजिशां विच शामिल ना होवो, क्योंकि सिख जिहड़े आ उह अपने देश दे लई इस देश लई वड्डियां कुरबानियां कीतियां। हाँ इस विच कोई शक नहीं कि इह देश दे विच सिखां लई न्याय नहीं है, इस गल नूं मैं कहण च कोई गुरेज नहीं करदा, पर इह सिखां नूं इस तरह वक्खवादी करके इन्हां नूं दूर करन दी कोशिश ना करो। इन्हां नूं दूर करोगे तुसीं देश दी इस प्रभु सत्ता आजादी तों दूर हो जाओगे।